back to the channel. Students, last video में हमने dimension के topic पर discussion किया था. आज हम लोग जो है time period का relation deduce करने वाले हैं dimensional formulas को use करके. तो देखते हैं कि question हमारा कैसा होगा. देखते हैं. तो हमको जो है इसमें एक pendulum consider करना होगा जिसके साथ में एक bob attach है. अब हमको उस बॉब का जो है टाइम पीरियड का जो इक्वेशन हम लोग निकालने वाले हैं वो हमको देखना होगा. तो देखते हैं कि कंसिडर करना है हमको कि हमारा एक स्ट्रिंग है, एक पेंडुलम से हमारा एक बॉब अटैच है. अब ये बॉब अटैच जो है उसका टाइम पीरियड हमको, टाइम पीरियड का रिलेशन हमको निकालना है कि इस बॉब को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है. उस टाइम को निकालने के लिए जो हमको इक्वेशन चाहिए होगा वो इक्वेशन हम लोग आज डिड्यूस करने वाले हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन देखते हैं. हमको कंसीडर करना होगा जैसे कि कंसीडर अ पेंडुलम टू विच अ बॉब इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग. लेट द बॉब हैव लेंथ एल, मास एम एंड टाइम टी. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलास. तो इस तरह का क्वेश्चन होगा. आपको क्वेश्चन जो है एज अ टेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा. देखते हैं कि इसका इक्वेशन किस तरह से होगा. T इज इक्वल्स टू के एल एक्स जी वाई एम जेड. इस तरह का जो है टाइम पीरियड का इक्वेशन हमारा होगा. यानी कि टाइम जो है वो लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास के ऊपर डिपेंड होता है एज अ प्रोडक्ट. आप देख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट है. अब यहाँ पर हमारा जो k है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है जो होती है हमारी k इज इक्वल्स टू 2 pi. ये उसकी एक वैल्यू होती है. अब यहाँ पे x, y और z ये जो है हमारे ये एक्सपोनेंट्स हैं. अब देखते हैं हम लोगों को इन दोनों साइड्स की LHS और RHS दोनों की हमको डायमेंशन यहाँ पर लिखनी है. तो चलिए देखते हैं टाइम की डायमेंशन. एम जीरो, एल जीरो, टी वन, ये टाइम की डायमेंशन हो गई है हमारी. उसके बाद में अब इधर की क्वांटिटीज की हम लोग डायमेंशन लिखेंगे. अब यहाँ पे एल है, एल की डायमेंशन हम लोग लिखेंगे. एल वन पावर में एक्स आएगा जैसा कि यहाँ पर एक्स है. उसके बाद में एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमको लिखनी है, वो होती है एल वन टी माइनस टू, यहाँ पे पावर में वाई आएगा. अब यहाँ पे मास की हमको डायमेंशन लिखनी है, एम वन पावर में जेड आएगा. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये यह हो जाएगा L x प्लस वाई. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो L है, एक में x आएगा एक में y आएगा, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया. उसके बाद में t जो है यहाँ पे एक ही है हमारे पास में यहाँ पे t, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई और m हो जाएगा m टू द पावर z. तो इस तरह की हमारे पास में एक डायमेंशन बनी है. अब इस डायमेंशन की ये जो पावर्स है, ये पावर्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के पावर्स को हमको इक्वेट करना है. देखते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास में l के ऊपर x प्लस y है और इधर l के पावर में जीरो है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. x प्लस y इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर t की जो पावर है वो है माइनस टू वाई और इधर है हमारे पास में वन, तो ये हो गया वन. उसके बाद में यहाँ पर m की जो पावर है यहाँ पे है z और यहाँ पर है जो जीरो है, तो ये z इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास में z की वैल्यू आ चुकी है. अब हमको y और x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाती है माइनस वन बाई टू. ठीक है. अब इस माइनस वन बाई टू की y की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से जो है हमको x की वैल्यू मिल जाती है, x इज इक्वल टू वन बाई टू. ठीक है. तो इस तरह से हमको तीनों वैल्यूज मिल चुकी है, x की, y की और z की. तीनों की वैल्यू जो है हमको यहाँ पर मिल चुकी है. अब इन तीनों x, y और z की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. देखते हैं. तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर k की वैल्यू भी पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 2 pi. अब l की जो वैल्यू है l के पावर में 1/2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 है. उसके बाद में जी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी माइनस वन बाई टू है, तो ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा. और z की वैल्यू जो है जीरो है, m टू द पावर जीरो. हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसको.
तो यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2π। अब ये वैल्यू को हम लोग जो है अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट एल, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस अंडर रूट जी। अब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पर जी जो है हमारा वो रूट में है और माइनस क्वांटिटी है। अगर हम इसको एल के डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो लिखेंगे हम 2π अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। अब ये दोनों वैल्यू जो है हमारी वो दोनों अंडर रूट में है, अलग अलग अंडर रूट में है। अब इसको हम सिंपल एक सिंगल अंडर रूट में लिखेंगे, 2π अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो इस तरह का जो है हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन होता है। ये रिलेशन यूज करके हम किसी भी चीज का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, यानी कि एक बॉब को इधर जाने के लिए कितना पीरियड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो हम ये इक्वेशन को यूज करके जो है निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार फिर, यहाँ पर टी जो है हमारा वो टाइम है, एल जो है लेंथ है, और जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई होप कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।